हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे केबीसी ग्लोबल शेयर के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग शेयर है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले मार्केट ये डाउन ट्रेंड में थी एंड अगेन अब में मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप एंड डाउन एंड अगेन यहाँ पे अप में मार्केट जा रही है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इसका सपोर्ट रहेगा, क्या इसका रेजिस्टेंस रहेगा, क्या इसका सेलिंग पॉइंट है, क्या इसका बाइंग पॉइंट है, दोनों पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। प्लस क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा, सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता दूंगी। बस थोड़ी देर के लिए वीडियो में कृपया करके बने रहिए। प्लस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना और नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और लाइक करना बिल्कुल भी मत बोलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा सपोर्ट बन रहा है, आपको जूम करके दिखा देती हूँ, वैसे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है 2.70 का, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस है 2.90 का, सेकेंड रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारा है 2.30 का, यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर 2.30 तक मार्केट जाती है तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बाय तो बिल्कुल ही नहीं करना है, बट 2.30 पे ना आप यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं आप मोमेंटम के लिए। बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहले 2.35 तक आपको देखना पड़ेगा कि 2.30 से 2.35 तक जा रही है कि नहीं जा रही। वहाँ से पॉजिटिव अगर ब्रेकआउट आता है तो इसका मतलब 2.50 तक अगेन जा सकता है, तो वहाँ पे आप लोग यहाँ पर बाय करना है। क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे पॉजिटिव ही मैं आपको मतलब मुझे तो पॉजिटिव शो हो रहा है। बाकी मैं आपको जूम करके ना एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से धीरे धीरे शो कर रहा है कि ये मे भी हो सकता है पॉजिटिव जाए, उसके चांसेस हैं। बाहर ये देख सकते हैं आप, मतलब वन डे की यहाँ पे मैंने वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक ना यहाँ पे मतलब मार्केट खैर काफ़ी नीचे आ गए, यहाँ पे ना एक रेड कैंड लास्ट में आपको ग्रीन कैंडल शो हो रही होगी। और वीकली अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको अच्छा खासा दिखेगा, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट से रिवर्स करे, मतलब मार्केट में काफ़ी बूस्ट देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे बायर्स बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इससे स्ट्रेंथ देख लेते हैं, स्ट्रेंथ 2 है, वीकनेसेस 11 है, अपॉर्चुनिटी 1 है, थ्रेट 2 है। वैसे तो मार्केट सच बोलूँ तो इसकी अभी नेगेटिव ही शो हो रही है, बट मार्केट क्या पता पॉजिटिव जाए, मतलब एक या दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप पोजिशनल ले एक महीने दो दो महीने के लिए, तो फिर हो सकता है थोड़ा सा रिस्की हो जाए। एक दिन या दो दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं बोले तो, या फिर BTST कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इसके लिए, BTST में काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप इंट्राडे भी करते हैं इसमें तो बाइंग पोर्शन करके करिए, पहले आप बाय कर लीजिए देन सेल कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या करते हैं। बात करते हैं इसके हालचाल की, तो देख सकते हैं ₹2 इसका शेयर, 4.17% इंक्रीजमेंट, कल का जो लो था ₹2.35 था और ₹2.50 इसका हाई गया था। बात कर लेते हैं इसका हमारा, ये तो आज का ही ये मार्केट की कैपिटलाइजेशन इसकी 153 करोड़ के, मतलब कि 153 करोड़ की है, प्लस लास्ट 5 डेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 4.17% यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिला। ये देखिए प्लस बात करते हैं यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग, तो महीने में यहाँ पे तो मार्केट डाउन, बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, हमें मार्केट में ट्राई देखना पड़ेगा कौन सी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है या नहीं दे रही। देख सकते हैं 6 मंथ के अकॉर्डिंग भी मार्केट यहाँ पे डाउन ही शो हो रही है। अब बात कर रहे थे कंपनी के बारे में, कंपनी जो फाउंडेड है 1994 की है, हेडक्वार्टर इंडिया में, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अभी तक 2021 तक तो 78 है, अगर बढ़े हो तो मुझे भी नहीं पता। बात करते हैं यहाँ पे मार्केट के रेवेन्यू, क्योंकि पहले से तो सारी चीज़ें नेगेटिव ही शो कर रही है। ये डेटा है मार्च 2022 का, जो इसका रेवेन्यू है 21.13 करोड़ का है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताओ तो 53.1%, नेट इनकम 2.19 CR, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 82.76%, डिल्यूटेड EPS 0.04, 80.95%, नेट प्रॉफिट 10.37%, जो कि नेगेटिव है ये 63.23%। बात करते हैं कुछ पीवर्ड्स लेवल के बारे में, तो देख सकते हैं ये हमारा क्लासिकल है फिबोनाची है कैमरे, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं राइट, होल्ड करके ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। मूविंग एवरेजेस क्या बताते हैं, मूविंग एवरेजेस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे SMA यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, SMA के अकॉर्डिंग जो 5 SMA है वो 2.42 है, 10 का है 2.46, 20 का है 2.70, 50 का है 3.35, 100 का है 5.45, 200 का है 10.66, ये इसका ऐसे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सारी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएंगी। लाइक्स करना बिल्कुल भी मत मुझिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
ट्रेडिंग करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।